नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। दिन दहाड़े दिया गया लूट की घटना को अंजाम, बीच रोड पर ही लुटेरे कर ले गए लूट। मामला है फिरोजाबाद के थाना शुकोहाबाद का, जहां आज भरी दोपहर में दिया गया लूट की घटना को अंजाम। लुटेरे सोने की चैन व मोबाइल और कैश अंगूठी उड़ा ले गए। ससुराल लेकर जा रहा था बहू को, अपने एक युवक साथ में थी कुछ और महिलाएं। पीछे से आए तीन लुटेरे, जिन्होंने शुकोहाबाद के स्टेशन रोड के समीप नहर के पास दिया लूट की घटना को अंजाम और नई नवेली दुल्हन का जेवरात लुटेरे लूट कर ले गए। साथ में जा रही महिलाओं को भी नहीं बख्शा लुटेरों ने, उनके साथ भी की गई लूट की घटना। वहीं इस घटना को थाना शुकोहाबाद में तहरीर देकर अवगत कराया गया। पीड़ित का कहना है कि थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है, इसकी कार्यवाही में पुलिस जुट चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लुटेरों के हौसले इतने कैसे बुलंद होते चले जा रहे हैं, जो आए दिन लूट की घटनाएं फिरोजाबाद जिले में कहीं ना कहीं से सामने आ रही है। आखिर इन पर कब और कैसे लगेगा अंकुश, या फिर ये लुटेरे ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। खास रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। क्या नाम है आपका? नीला। कहाँ जा रही थी आप? बाइक घूमने जा रही थी। क्या मामला हुआ आपके साथ? अच्छी चढ़ा ली, मैं वहाँ पर जा रही थी बाइक से, पीछे से लगे हुए थे तो गाड़ी की चाबी। क्या लोग थे? तीन लोग थे। कहाँ से यहाँ पे आ रही थी, कहाँ जा रही थी? नंगला ससुराल से आ रही थी, मायके में जा रही थी। ससुराल कहाँ पर? ससुराल नंगला लोकमान में। ससुराल आपकी नंगला लोकमान में है? तो ससुराल नंगला लोकमान से कहाँ पर जा रही मायके, कहाँ था? लांगी खुर्द में था। कहाँ पड़ता है? दीरपुरा टूटला के पास में, थाना नंगला सिंगी। तो कितने लोग थे बाइक पर जो लूट किए? हम तीन लोग थे, वो भी तीन लोग थे। तो कहाँ से आपके पीछे लगे थे? नहर वाले रास्ते से। क्या क्या सामान ले गए? कॉलर था, एक जंजीर थी, एक पेंडल था और एक मंगलसूत्र था, छह अंगूठी थी, दो मेरे हस्बैंड की थी। तो आपने पुलिस को सूचना दी? चार चूड़ियाँ थी और कानों की थी। आपने पुलिस को सूचना दी है? सर पुलिस को सूचना दी थी आपने? दी थी सर, नंबर ही नहीं लगा था, फिर गाड़ी वही थी। नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर है। कहाँ रहते हैं आप? नंगला लोकमान रहता हूँ। क्या मामला हुआ, किस तरह का हुआ है? कि मेरा बेटा अपनी बहू को लिवा के अपनी मायके जा रही थी, उसे छोड़ने जा रहा था। तो शुकाबाद जो अपनी नहर पे स्टेशन रेड जो है ना, तो वो उस रास्ते जा रहा था, तो तीन लोग पीछे से आए तो मेरी बहू की सारी चीज़ ले गए। चीज़ ले गए मतलब चार चूड़ी, एक कॉलर, जंजीर, बिजली, आठ अंगूठी, मंगलसूत्र और कान की सारी चीज़। और तो लड़के तमंचा लगा दिया था और मोबाइल छीन लिया था, गाड़ी चाबी निकाल लिए थे। कितने लोग थे और कहाँ जा रहे? तीन लोग थे और जो है ना, हमारा बच्चा जो है अपने नगला लोकमान से अपनी ससुराल छोड़ने जा रहा था। बच्चा छोटा था साला उसका, तो इसलिए वो साथ में करने जा रहा था उसको। तो छः मर्दानी थी, कुछ जनानी थी और दो मर्दानी, आठ अंगूठी थी, ये सामान था। तो सारा जो है सामान मेरा लूट गया। आपने इस बात की पुलिस को इतना सूचना दी है? अभी हमारा कोई मैटर चल रहा है, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं मिला। कोई लिखित कार्रवाई की आपने? अभी कार्रवाई चल रही है हमारी। नहीं, लिखित में दे दी आप? हाँ, लिखित में चल रही है। अभी सीओ साहब भी आ गए यहाँ पर, अब चल रही, देखो लिखित में क्या हो रहा है। अगर आप भी हैं चर्म रोग से परेशान, तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, खुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के SN हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार, फैमिली फिजिशियन, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास मनोज मेडिकल के बराबर में फिरोजाबाद।